वो इतनी खूबसूरत थीं कि एक बार देखने पर लोग उन्हें पलटकर जरूर देखते थे। बड़ी बड़ी आंखें और इंडियन ट्रेडिशनल चेहरा। शांत, सौम्य और चेहरे पर गजब की ताजगी, मानो कोई अप्सरा सामने खड़ी हो। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में नूर जहां और सुरैया के बाद वो इस लिस्ट में शामिल उस दौर की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस रही जिनका नाम एक टैलेंटेड ट्रेंड गायिका के तौर पर भी शुमार हुआ। और क्या आपको पता है कि इस एक्ट्रेस ने जाने माने एक्टर के प्यार में अपने करियर के पीक पर अचानक सब कुछ छोड़ दिया और इनकी जिंदगी तबाह हो गई। सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं ले। और क्या आप यकीन करेंगे कि उस एक्टर ने बेहद करीबी रिश्ता होने के बावजूद इनसे शादी करने से इनकार कर दिया और फिर ये सीधी साधी अदाकारा मानसिक रोग का शिकार हो गई और इन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। तो आज किस हाल में और कहाँ है ये अभिनेत्री और कौन था इनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला शख्स, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की। ये एक प्रशिक्षित गायिका थीं जिनके खानदान में बड़े बड़े शास्त्रीय गायक और म्यूजिक डायरेक्टर भी हुए और इन्होंने गायकी में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड भी अपने नाम किया। बच्चों, जो लोग हमें प्यारे लगते हैं, कोई न कोई वो हमारे लगते। दिलकश और मोहक अदाओं वाली सुलक्षणा अपने नाम के जैसी ही शांत और सौम्य मानी जाती थी। ये एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और इनके पिता प्रताप नारायण पंडित जाने माने शास्त्रीय गायक थे। सुप्रसिद्ध गायक पंडित जसराज इनके सगे चाचा थे। एक और चाचा वसंत कुमार पंडित जाने माने राजनेता थे। इनके तीन भाई मंधीर, जतिन और ललित और बहन विजेता पंडित फिल्म और संगीत जगत में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। सुलक्षणा पंडित को बॉलीवुड में बतौर गायिका सम्मान भी मिला और बतौर अभिनेत्री लोकप्रियता भी मिली, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ बेहद उथल पुथल भरी रही। आइए डालते हैं इनके करियर और जीवन पर एक नजर। सुलक्षणा का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से हरियाणा से था। सुलक्षणा संगीत घराने से ताल्लुक रखती थी और यही कारण था कि ये भी एक बेहतरीन गायिका बनी। कम ही लोग जानते हैं कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ये स्टेज शो करती थी। फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर 1967 में आई फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में इन्होंने लता मंगेशकर के साथ सात समंदर पार से गाना गाया था। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज दी थी। 1975 में आई फिल्म उलझन में इन्हें गायिका के साथ साथ अभिनेत्री बनने का मौका मिला। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी और इसमें इनके ऑपोजिट हीरो थे संजीव कुमार। सुलक्षणा एक्टिंग में नई थी लेकिन संजीव कुमार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। सुलक्षणा उनसे बेहद प्रभावित हुई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। इसके बाद सुलक्षणा पंडित के लिए फिल्मों के दरवाजे दो दिशाओं में खुल गए। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस कुल 30 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अस्सी के दशक में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस दौर की उनकी प्रमुख फिल्में थीं गरम खून, वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा, धर्म काटा और बैरिस्टर। इनमें से कई फिल्मों में अपने किरदार के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी उन्होंने खुद ही किया था। हालांकि 1987 में आई फिल्म गोरा और 1988 में आई फिल्म दो वक्त की रोटी उनकी अभिनीत आखिरी फिल्में थीं, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग 1985 के पहले ही हो चुकी थी। अपनी आखिरी फिल्मों में भी उन्होंने संजीव कुमार के साथ ही काम किया था। अगर आप लोग न मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हम लोगों से मिलकर आप खुश हैं।
ये बात सच नहीं लगती मुझे। 1985 में हुई संजीव कुमार की मृत्यु के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया, हालांकि गाना जारी रखा। इसका कारण ये माना जाता है कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से गीत संगीत से जुड़ा था और उनके भाई बहनों ने कम से कम इस क्षेत्र में उनका हौसला बनाए रखा था। एक गायिका के तौर पर सुलक्षणा पंडित ने 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी, मराठी व पंजाबी भाषाओं की कुल 78 फिल्मों में आवाज दी थी। सुलक्षणा पंडित के जीवन में संजीव कुमार का विशेष स्थान था। दरअसल संजीव कुमार जिस शालीनता से उनकी पहली फिल्म में उनसे मिले थे वो उन्हें बेहद प्रभावित कर गया था। सुलक्षणा उन्हें अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन संजीव कुमार इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। संजीव कुमार ने सुलक्षणा को कई बार समझाया कि वो उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन एक्ट्रेस खुद को उनसे दूर नहीं रख पाती थी। सुलक्षणा चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर ले, लेकिन संजीव उन्हें दोस्त की तरह रखना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार हेमा मालिनी पर फिदा थे और उनके इनकार के बाद किसी और को अपना दिल नहीं दे पाए। संजीव कुमार ने जब शादी के लिए मना कर दिया तो सुलक्षणा को बहुत धक्का लगा और वो डिप्रेशन में आ गई। सुलक्षणा इस दूरी का दर्द झेल रही थी कि तभी 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। इस हादसे ने सुलक्षणा को इतना गहरा धक्का पहुंचाया कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी। उन दिनों मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने बताया था कि दीदी पागल नहीं हुई थी, बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से मना कर दिया तो डिप्रेशन में चली गई थी। विजेता ने बताया कि संजीव कुमार दीदी से इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और वो जानते थे कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। ऐसे में वो दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दीदी और संजीव कुमार दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि कुछ साल पहले दिए मीडिया को दूसरे इंटरव्यू में विजेता ने संजीव कुमार पर आरोप लगाया कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था, इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलक्षणा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनों को पहचान भी नहीं पा रही थी। मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तुमने क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया? संजीव के दुनिया से जाने के बाद सुलक्षणा का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा भी आ गया कि उनके पास कोई काम नहीं था और पैसे की कमी के चलते उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। तब एक्टर जितेंद्र ने उनकी मदद की थी। 1979 में फिल्म खानदान में सुलक्षणा ने जितेंद्र के साथ काम किया था और वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलक्षणा 2006 से अपनी बहन विजेता पंडित के साथ ही रह रही हैं। हालांकि एक बार बाथरूम में गिरने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई और इस वजह से वो आज भी ठीक से चल नहीं पाती हैं। वो अपने कमरे में अलग रहती हैं और दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। सुलक्षणा को आखिरी बार पब्लिकली विजेता के दिवंगत पति म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद उनकी प्रार्थना सभा में देखा गया था। सुलक्षणा पंडित की अब तस्वीरों को देख करके शायद आप यकीन भी नहीं कर सकते कि वो वही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिन्हें देख करके कभी लोगों की धड़कने रुक जाती थी। हमारी यही प्रार्थना है कि सुलक्षणा पंडित जल्दी स्वस्थ हो जाएं और बाकी का जीवन खुशहाल बिताएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सुलक्षणा पंडित से जुड़ी कोई और जानकारी आपके पास हो तो कमेंट के माध्यम से सुलक्षणा के दूसरे फैंस तक जरूर पहुंचाएं। तो अगले वीडियो में किसी और बेबाक बॉलीवुड किस्से के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।